जीवन के 7 नियम जो आपका जीवन बदल कर रख देंगे। नंबर 1, अपने अतीत को लेकर शांत रहे। जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा करें कि वर्तमान खराब ना हो। नंबर 2, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपका विषय नहीं है। नंबर 3, समय लगभग सब कुछ सही कर देता है, इसे समय दें। नंबर 4, दूसरों से अपने जीवन की तुलना न करें और ना ही उन्हें जज करें। आपको पता नहीं है कि वह किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। नंबर 5, ज्यादा सोचना बंद करो। यह ठीक नहीं होता क्योंकि हर चीज आपके अनुसार हो, यह जरूरी तो नहीं। आखिर जिसने हम सबको बनाया है उनका भी तो निर्णय हो सकता है। नंबर 6, किसी ने भी आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा है सिवाय आपको छोड़कर। नंबर 7, मुस्कुराए क्योंकि दुनिया की सारी समस्याओं के स्वामी आप नहीं हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। पेज को जरूर फॉलो करें। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये 5 टिप्स अपनाएं, आपका जिंदगी खुशहाल बन जाएगा। नंबर 1, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहिए, बिजी रहने का एक्टिंग कीजिए। नंबर 2, लोगों को हर समय हां मत कहिए, ना भी कहना सीखिए। नंबर 3, किसी को बहुत जल्दी जवाब ना दे, थोड़ा समय ले फिर बोले। नंबर 4, दूसरों से परेशान मत हो, अपने अंदर खुशी ढूंढिए। नंबर 5, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, रोको मत। यकीन मानिए ये पेज आपका जिंदगी और सोच दोनों बदल देगा। अभी फॉलो कर ले, ये 7 चीजें जरूर कर लेना। नंबर 1, सुबह सबसे पहले पानी पिए। नंबर 2, अपने स्मार्टफोन से दूर रहे। नंबर 3, कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करें। नंबर 4, कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करें। नंबर 5, कुछ ऐसा पढ़े जो आपको कम से कम 20 मिनट के लिए उत्साहित करे। नंबर 6, दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। नंबर 7, इतना करने के बाद नहाकर ब्रेकफास्ट कर लें। अब आप तैयार है एक बेहतरीन दिन के लिए। कौन कौन ये 7 चीजें कल से फॉलो करेगा कमेंट में जरूर बताएं। ये रूल अपना लो जीवन सवर जाएगा। रूल नंबर 1, जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे ना तो उसे दिखाओ कि तुम क्या चीज हो, उसको उसकी औकात दिखाओ। रूल नंबर 2, उन लोगों को अपनाओ जो आपको अपनाते हैं। रूल नंबर 3, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। रूल नंबर 4, अपने दुखों को छुपाओ क्योंकि किसी को इसकी परवाह नहीं है। रूल नंबर 5, अकेले रहो, कोई तुम्हें बुरी सलाह देने की कोशिश नहीं करेगा। रूल नंबर 6, छोड़ दो ऐसे प्यार को जिसमें तुम्हारी इज्जत ना हो। रूल नंबर 7, ज्यादा सीधे मत बनो वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और हाँ, मेरा यकीन मानिए ये पेज आपकी सोच जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी इस बेहतरीन पेज को फॉलो करें। ये 5 बातें आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। पहला, सबसे समझदार इंसान वही है जो देखता और सुनता तो सब है लेकिन बोलता तब है जब जरूरत होती है। दूसरा, जो लोग अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं वही लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। तीसरा, जैसे एक अच्छा बीज बड़े पेड़ को जन्म दे सकता है उसी तरह एक अच्छा विचार जीवन में कई सारी खुशियों को जन्म दे सकता है। चौथा, रोते हुए रुलाना और डरते हुए को डराना यही दुनिया की रीत है, इसलिए न कभी डरे न कभी रोए, खुद को हर सिचुएशन में मजबूत रखें। यकीन मानिए ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी फॉलो कर ले। ये 6 चीजें कभी किसी को मत बताएं। नंबर 1, अपना प्लान कभी किसी को ना बताएं क्योंकि बताने से उस काम की सफल होने के चांस घट जाते हैं। नंबर 2, अपनी कमजोरी को, नहीं तो लोग आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, अपनी असफलताओं के बारे में, क्योंकि लोग आपको हमेशा असफल होते हुए देखना चाहते हैं। नंबर 4, कभी किसी को अपने अगले बड़े चाल के बारे में मत बताओ, लोगों को सरप्राइज करो। नंबर 5, अपने सीक्रेट चीजों के बारे में कभी किसी को मत बताएं, ऐसा मूर्ख लोग करते हैं। नंबर 6, कभी अपने इनकम और इनकम के सोर्स के बारे में किसी को मत बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। शांति से जीने के लिए ये बातें हमेशा ध्यान रखना। पहला, कभी भी बच्चों की बेइज्जती सबके सामने नहीं करनी चाहिए, इससे वह सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं। दूसरा, बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, इससे उनके मन में गुस्सा भर जाता है। जितना हो सके प्यार से समझाओ। तीसरा, सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, हमेशा पहले पानी पिए उसके बाद ही चाय पिए। चौथा, कभी भी अपनी कमजोरियों या धन हानि की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। पांचवा, जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। छठा, किसी को उसकी वेशभूषा, रंग, आकार आदि से कभी जज नहीं करना चाहिए। सातवां, हमेशा खुश रहे चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप हर काम में सफल होंगे। अगर पोस्ट ने आपको 1% भी प्रभावित किया तो कमेंट में अभी यस लिखें और पेज पर नए हो तो इस पेज को अभी फॉलो करें। उदासी दूर करने का मूल मंत्र। पहला,
ध्यान रखना, यदि आप बहुत उदास महसूस कर रहे हैं तो आप अपने अतीत में जी रहे होंगे। दूसरा, यदि आप अपने आप को बहुत तनाव में पा रहे हैं तो आप अपने भविष्य में जी रहे हैं। तीसरा, यदि आप बहुत शांत हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। चौथा, वर्तमान में जीना ही तो उदासी को दूर करने का मूल मंत्र है। अतः खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए। यकीन मानिए, ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी फॉलो करें। 5 टिप्स अपना लो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। पहला, अपने खान पान में सुधार कीजिए। वो खाना खाओ जिसमें कैलोरी कम हो पर न्यूट्रिशन ज्यादा हो। दूसरा, हर रोज 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। तीसरा, हर रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, जितना आपके शरीर को चाहिए। चौथा, जितना हो सके मैदा और फास्ट फूड से दूर रहिए। पांचवा, एक ऐसे फिटनेस कोच को जरूर फॉलो कीजिए जो आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से गाइड कर सके। इन 5 चीजों से कभी डरना मत। पहला, सोच समझ कर निर्णय लेने से। दूसरा, किसी कार्य में असफलता मिलने पर। तीसरा, किसी की फालतू की धमकी से। चौथा, कठिन मेहनत करने से। पांचवा, समय आने पर अकेले रहने से। डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? पहला, जिस चीज में आपका मन लगता है, जैसे गेम्स, मूवी, कुछ समय इन्हें देख ले, दिमाग शांत होगा। दूसरा, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। वो बोलते हैं बोलने दो, वो नहीं, आप जानते हो कि आप जैसी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। तीसरा, खाली समय में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाए या अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताए। चौथा, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाओ। ये मत सोचो पहले कुछ बन जाऊं, नहीं, जो आपको पसंद है वो भी अभी करो, आपको अच्छा लगेगा। पांचवा, बाहरी लोगों के कम संपर्क में रहो, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, जितनी बातें उतनी सिरदर्दी। छठा, जो काम आपको करना पसंद है वो करें और कोई स्किल सीखें, आपका मन बदलेगा। ये सीख गए तो कभी धोखा नहीं खाओगे, न खुद से और न ही दूसरों से। नंबर 1, मजबूर। किसी को भी आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि इस प्रकार का रिश्ता कभी सफल नहीं होता है। नंबर 2, कार्य से आनंद। छोटे से छोटे क्षणों का आनंद लेने की कोशिश करें और खुद के द्वारा किए गए कार्य से स्वयं को खुश रखने की कोशिश करें। नंबर 3, उम्मीद। अगर खुश रहना है तो सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखें कि किसी को समझे बिना कभी भी कोई उम्मीद न करे, चाहे वह आप खुद क्यों ना हो। नंबर 4, पसंद। वह करें जो आपको पसंद है, लेकिन इससे पहले सोचें कि यह आपके लिए फायदेमंद भी है या नहीं। नंबर 5, भरोसा। किसी भी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा न करें, क्योंकि वास्तविक जीवन में किसी को भी समझना बहुत मुश्किल है। नंबर 6, चुगली। सबसे महत्वपूर्ण, कभी किसी की चुगली न करें। 7 सलाह हर किसी को माननी चाहिए। पहला, हर महीने पैसे सेव करो, फर्क नहीं पड़ता कितने भी हो, पर सेव करो। दूसरा, अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना है खुद से लो, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद करके दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, खुद को एजुकेटेड करें, बुक्स पढ़ो, वीडियो से सीखो, अपनी हेल्थ सुधारो, अपनी बॉडी की ओर देखो। चौथा, किसी पर भी भरोसा मत करो, यहां लोग आपके हमदर्द कम और मतलबी ज्यादा है। पांचवा, हमेशा अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद से करोगे उसमें माहिर बन सकते हो। छठा, अकेले चलने का साहस करो, हर समय दूसरों के इंतजार में पीछे मत रहा करो। सातवा, सारी बातें छोड़कर अपने माँ बाप की बात सुनो, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं। यकीन मानिए, ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी फॉलो करें। बस 5 मिनट ये कर लो, 5 मिनट फोन मत चलाओ, तुम कितने अकेले हो इस दुनिया में पता चलेगा। 5 मिनट आंखें बंद रखो, दुनिया कितनी तेज चल रही है पता चलेगा। 5 मिनट माँ के पास बैठो, सच्चे और झूठे प्यार का अंतर पता चलेगा। 5 मिनट पिताजी के साथ बैठो, पैसा कैसे जोड़ते हैं पता चलेगा। 5 मिनट मजदूर के पास बैठो, पैसों की इज्जत करना सीख जाओगे। 5 मिनट किसी प्रेमी के पास बैठो, प्यार और हवस का अंतर समझ जाओगे। 5 मिनट कसाई के साथ बैठो, जिंदगी और मौत का अंतर समझ जाओगे। 5 मिनट हर रोज हमारे पेज पर बिताए, लाइफ को जीना सीख जाओगे। पोस्ट पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। जीवन में खुश रहने के 4 नियम। पहला, एक दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक पर चले जाओ। दूसरा, एक सप्ताह का सुख चाहिए तो घूमने चले जाओ। तीसरा, एक दो महीने का सुख चाहिए तो शादी कर लो। चौथा, अगर जिंदगी भर सुख चाहिए तो अपने काम से प्यार करो। 6 ट्रिक्स जिससे लोग आपको पसंद करेंगे। पहला, जब आपसे कोई बात करे तो उसमें इंटरेस्टेड रहो, इग्नोर मत करो। दूसरा, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो। तीसरा, जब लोगों से बात करो तो उन्हें उनका प्यारा सा नाम लेकर बात करें। चौथा, हमेशा ऐसे विषय पर बात करें जिसमें सामने वाला भी इंटरेस्ट दिखाए। पांचवा, जिससे बात कर रहे हो उस व्यक्ति को स्पेशल फील कराने की कोशिश करो। छठा, लोगों की मदद करने और उनका सम्मान करने के बारे में बात करें। 12 महीने में बदल जाओगे, बस ये करना स्टार्ट कर दो। पहला, पार्टी में जाना बंद कर दो, अपनी हॉबी ढूंढो। दूसरा,
ढूंढो कि आप किस चीज में मास्टर हो और उस काम को करना स्टार्ट कर दो। तीसरा, एक स्किल सीखने में टाइम बिताओ, अपने इनकम के तरीके बनाओ। चौथा, जिम जाओ, बॉडी को फिट कर लो, 12 महीने में पूरा बदल डालो अपने आप को। पांचवा, एक साल की निरंतरता और साधना आपको जीवन में औरों से कई साल आगे कर देगी। आपने इस पेज को फॉलो किया हो या नहीं, लेकिन पेज में बताई बातों को जरूर फॉलो करके देखिए। जिंदगी सच में 12 महीनों बाद कुछ अलग ही होगी। अगर आप ठान लेते हो कि जिंदगी में अगला एक साल आपके लक्ष्य के लिए समर्पित रहेगा, तो कमेंट में यस जरूर लिखें।